प्रश्न नंबर एक है हमारा 20 का 80 प्रतिशत कितना होगा, 20 का 80 प्रतिशत। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे 20 और ये जो का है इसका मतलब होता है गुणा और 80 बटे 100, प्रतिशत का निशान हटा देंगे और उसकी जगह नीचे 100 लगा देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो, 8 × 2 = 16, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 16। चलिए देखते हैं आंसर, आपका ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, आंसर है हमारा 16। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 25% निम्न में से किसके बराबर है, हमें बताना है 25% जो है किसके बराबर है। तो प्रतिशत को दशमलव में बदलना है, जब हम प्रतिशत को दशमलव में बदलते हैं तो प्रतिशत का निशान हटाकर 100 से भाग करते हैं, नीचे हमारी 2 जीरो है तो 2 के बाद दशमलव आ जाएगा, तो हमारा 0.25 हो जाएगा। तो 25% जो होता है वो होता है 0.25 के बराबर, जैसे कि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.25। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 450 का 30% कितना होगा, 450 का 30%। तो ये करेंगे हम 450 का मतलब हो गया गुणा और 30%, 30/100, 0 से 0 और 0 से 0 कट जाएगा, 45 की 3 से गुणा कर देंगे, 45 × 3, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 और 1 = 13, 45 × 3 हो जाएगा हमारा 135। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा राइट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है हमारा, 3/4 को प्रतिशत में बदलें, 3/4 को प्रतिशत में। जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तब हम क्या करते हैं, भिन्न को लिखते हैं और उसमें 100 से गुणा, ऊपर की अंश की में 100 से गुणा और बाहर प्रतिशत का निशान लगा देते हैं। 4 से हमारा 100 कट जाएगा 25 बार, 25 × 100 और 25 × 75, तो ये हमारा 75% हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है हमारी, 34 का 15% कितना हो जाएगा, 34 × 15/100। अब यहाँ पे हम 15 और 34 की गुणा कर लेंगे, 15 × 60, 15 × 3 = 75 और 6 = 81 और बटे 100, यहाँ पे 100 है तो 2 के बाद दशमलव आएगी, उत्तर आ जाएगा हमारा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 5.10। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 हमारी, 400 का 25% का 50% कितना होगा। ये हमारा 400 का मतलब हो गया गुणा 25%, 25/100 और फिर यहाँ का है इसका मतलब फिर गुणा और गुणा 50/100, 100 × 400, 25 × 100, 4 × 4 = 12 बराबर हमारा कितना आया 50। तो 400 का 25% का 50% होगा हमारा 50, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न संख्या 7 है हमारी, 470 का 23%, तो ये हमारा 470 × 23/100, 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ पे हम 47 और 23 की गुणा कर लेंगे, 47 और 23 की गुणा, 3 × 7 = 21, 3 × 4 = 12, 13 × 14, 3 × 2 = 14, 2 × 8 = 9, 1 × 8 = 10, 1081 बटे 10। अब यहाँ 10 है तो 1 के बाद दशमलव लग जाएगी, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 108.1, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। 500 का 20% × 15% × 10% किसके बराबर होगा, तो ये हमारा 500 × 20/100 × 15/100 × 10/100, 100 × 5 = 500, 20 × 5 = 100, 5 × 5 = 5 चला गया, 10 × 3 = 100, तो ये हमारा हो जाएगा 15/10 = 1.5, हमारा उत्तर आ जाएगा 1.50। प्रश्न संख्या 9 है हमारी, 1500 का x% + 50 = 500, तो x का मान क्या होगा, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम इसको करेंगे 1500
गुणा एक्स बटे 100 बराबर 500, और ये जो 50 हमारा प्लस है बराबर से इधर आएगा, माइनस के 50 हो जाएगा, 100 से 1500 काट देंगे 15, तो ये हमारा 15x बराबर 500 माइनस 50 बराबर 450, तो x बराबर 450 बटे 15, 15 तिया 45, तो x का मान हमारा आ जाएगा 30, तो x का मान हमारा 30 होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10 है हमारी, 400 का 4% माइनस 800 का 5% बराबर क्या होगा? 400 का 4% तो 400 गुणा 4 बटे 100 माइनस 800 गुणा 5 बटे 100, तो चौके 400 तो 800, 4 चौक 16, 8 पंजे 40, तो 40 माइनस 100 हम घटा देंगे, 40 माइनस 36 16 हम घटा देंगे, तो आपको उत्तर आ जाएगा 24, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो आपका आंसर भी माइनस में आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है।